हेलो एंड वेलकम टू नवकार सिस्टम्स। इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक लॉक और इसके सारे सामान और इसके एक्चुअल किस किस सामान का क्या क्या यूज़ होना है, क्योंकि कई कस्टमर्स लॉक तो ले लेते हैं बट उनके क्वेश्चंस रहते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है। ये तो जैसे स्टैंडर्ड लॉक है और लॉक का ये दूसरा पार्ट है। अब जब भी ये लॉक लगता है, ये तो देखिए ये पुश बटन है इसका जो अंदर से प्रेस होता है। ये इसका जो की है, की होल है, ये कंप्यूटराइज की जाती हैं। ये की होल इसलिए है कि ये खोलने के लिए यूज़ नहीं होता अंदर से। ये सिर्फ जैसे अभी ये मैं बटन प्रेस कर पा रहा हूँ, जब लॉक को चेक करना है हमने, ये इस तरीके से चेक करते हैं। ये देखिए अब मैं इस बटन को प्रेस कर पा रहा हूँ। मैंने इसे घुमा करके दो बारी पूरा घुमाया जाता है और अब मैं इसको देखिए दबा नहीं पा रहा। ये होल्ड, ये दब नहीं रहा। और ये तो हो गया इस बटन को फ्रीज़ करने का। और दूसरा इसमें है कि अगर आप कभी चाहते हैं कि आपका डोर लॉक ना हो, जैसे अभी ये बटन दब रहा है, तो मैं इस बटन को दबा करके, बटन को मैंने दबा दिया पहले और अब मैं इसको दो पूरा घुमा देता हूँ। अब ये बटन अंदर दबा हुआ है और अब ये फ्री बहुत इजीली चल रहा है। अब लॉक, अब सिस्टम जो है, अगर दरवाज़ा पूरा बंद भी होगा, अब जिसे डेड लॉकिंग सिचुएशन कहते हैं, अगर अब पूरा लॉक बंद भी होगा तो भी दरवाज़ा बंद होने पर लॉक लगेगा नहीं, लॉक खुला ही रहेगा। इसे डेड लॉकिंग कहते हैं, लॉक डेड हो गया अब। और अब हम वापस इसको कर लेते हैं, ये हमारा वापस ओरिजिनल पोजिशन में आ गया। ये है लॉक का दूसरी साइड। अब लोग कहते हैं कि ये दूसरी साइड की तरफ से कैसे, ये इसके साथ का आता है, ये एक और पार्ट आता है जो कि लॉक के, मतलब डोर के बाहर वाली साइड लगता है ये। अब ये वो कहते हैं इसमें कहाँ पर, इसमें होल कहाँ है। ये वाले होल्स तो माउंट करने के लिए है लॉक को डोर के ऊपर, अगर आप इसको स्क्रू से कर रहे हैं। वैसे तो स्टील के गेट पर आप वेल्डिंग, स्टील के या मेटल के गेट पर आप इसे वेल्डिंग करते हैं, बट अगर हम वुडन गेट पे कर रहे हैं तो हम इन स्क्रूज की हेल्प से, इन होल्स की वजह से हम ये स्क्रू कर लेते हैं। और जो ये वाला पार्ट है, ये डोर की थिकनेस के हिसाब से आप इसको, ये देखिए यहाँ पर मार्क्स बने हुए हैं, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काटा जा सकता है। और ये इतनी जगह में जाता है ये। और जैसे कि मैं चला कर दिखाता हूँ इसको, ये मैंने पकड़ लिया। अब मैं इसको दबाता हूँ और इसको मैं, एक हल्की सी छोटी सी पत्ती दिख रही है यहाँ पर, ये जब घूमता है तो ये सिर्फ उसको ऊपर का, ऊपर की तरफ करता है। ये देखिए खुल गया। मैं दोबारा करता हूँ, ये देखिए। तो जब चाबी से ये घूमेगा, ये सिर्फ चाबी से ही घूमेगा, वैसे तो मैं अभी इसे हाथ से घुमा रहा हूँ, ये चाबी से ही घूमेगा और ये बाहर की तरफ से लॉक को खोलने के काम आता है। तो ये पार्ट है हमारा बाहर की तरफ से लॉक को खोलने के लिए। और ये पार्ट है जिसमें हमारे ये लैच होल्ड होगी। आप चाहे तो जो मूविंग पार्ट है उस पर ये वाला हिस्सा लगेगा और जो स्टेशनरी पार्ट है, जैसे कि जो चौखट है या वॉल है, उस पर ये वाला पार्ट लगेगा। और जब बाहर की तरफ से कीज़ लगती हैं तो ये वाला जो की वाला पार्ट है ये लगेगा, तो उसको इसके साथ माउंट किया जाता है और उसको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है इस पार्ट को, ये चीज़ और ये चीज़। तो इस तरह से ये सारा सामान यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ द हैंडल फॉर ओपनिंग द डोर फ्रॉम द इनसाइड। एंड ये वाली जो नए लॉक्स आ रहे हैं, इनमें कीज़ आ रही हैं, कंप्यूटराइज कीज़ आ रही हैं, इनको कॉपी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये हमारे पूरा इलेक्ट्रॉनिक लॉक की वर्किंग का वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।